برادر بزرگ میر سم گوپال پوری صاحب کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں حاضری ہوئی ہے اور یہ شرف حاصل ہوا مدح کرنے کا۔ میں یہاں سے وقت بالکل نہ لیتے ہوئے، کوئی تمہیدی گفتگو نہ کرتے ہوئے، بالکل ہمارے بزرگ سب تشریف رکھتے ہیں اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص مطلع جنہیں امام رضا کی رضا نہیں ملتی، جنہیں امام رضا کی رضا نہیں ملتی، جنہیں امام رضا کی رضا نہیں ملتی، انہیں بہشت کی ٹھنڈی ہوا نہیں، جنہیں امام رضا کی رضا نہیں، جنہیں امام رضا کی رضا نہیں ملتی، انہیں بہشت کی ٹھنڈی ہوا نہیں۔ حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ کھلا ہوا ہے شفا خان نئے امام رضا، کھلا ہوا ہے شفا خان نئے امام رضا، کھلا رضا، وہ آئے جن کے مرض کی دوا نہیں، وہ آئے جن کے مرض کی دوا نہیں ملتی، اور رضا کے نام کا تعویذ باندھ لے بھائی، رضا کے نام کا تعویذ باندھ لے بھائی، یہ پاس ہو تو کوئی بھی بلا نہیں، یہ پاس ہو تو کوئی بھی بلا نہیں ملتی، اور وہ دور پرچم غازی سے ہیں تو حیرت کیا، وہ دور پرچم غازی سے ہیں رت کیا، ذلیل خون میں ہرگز وفا نہیں ملتی، ذلیل خون میں ہرگز وفا نہیں ملتی، اور نصیب والے ہی افہام اس کو پاتے ہیں، نصیب والے ہی افہام اس کو پاتے ہیں، ہر ایک جبین کو خاک شفا نہیں ملتی،
तक एक बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम चाहता हूँ यहीं से मैं शुरू कर दूँ इसको, और ये आगाज़ है कलाम हासिल करता हूँ बतौर ख़ास दो मतलब चंदशा और एक नद अदीफ के साथ। देखें मामू खास तौर से जब किया जिक्र अली बालाए मिंबर बैठ कर जब किया जिक्र अली बालाए मिंबर बैठ कर जब किया जिक्र अली बालाए मिंबर बैठ कर सुन रहे थे आसमां वाले जमीन पर बैठ गए जब किया जिक्र अली बालाए मिंबर बैठ कर सुन रहे थे आसमां वाले जमीन पर बैठ गए सुन रहे थे आसमां वाले जमीन पर बैठ कर दूसरा मतलब हाजिर करता हूँ देखेंगे के देख लो खुद मजली से सर वर में पल भर बैठ कर देख लो खुद मजली से सर वर में पल भर बैठ कर अर्श हो जाओगे तुम फरिशे अज़ा पर बैठ कर अर्श हो जाओगे तुम फरिश्ते अज़ा पर बैठ कर शेर हाजिर करता हूँ देखेंगी तुबला कि कुछ तो है जो मशवरा ले तेरे आकर रसूल कुछ तो है जो मशवरा ले तेरे आकर रसूल फातिमा करती रही तब ले गती घर बैठ गए कुछ तो है जो मशवरा ले तेरे आकर रसूल फातिमा करती रही तब ले गती घर बैठ कर फातिमा करती रही तब ली गदी घर बैठ कर और इस ये शेर में हाजिर करता हूँ बतौर खास देखेंगे कि मुझको लगता है शहंशाह ही मेरे कदमों में है मुझको लगता है शहंशाह ही मेरे कदमों में है मांगता हूँ भीख जब सरवर के दर पर बैठ गए जब से वर के दर पर बैठ कर और मैं ये भी शेर हाजिर करता हूँ खास तौर से देखेंगे नारे सलवादी शाह फरमाइए
ये शेर हाजिर करता हूं बतौर खास, देखिएगा। खुश नसीबी से जो होते हम अली के दौर में, फिर से शेर कर, फिर से देखिए। खुश नसीबी से जो होते हम अली के दौर में, आसमां हो जाते कंबल के बराबर बैठ गए, खुश नसीबी से जो होते हम अली के दौर में, आसमां हो जाते कंबर के बराबर बैठ गए। और ये भी शेर हाजिर करता हूं, क्यों ना मेरा जिस्म महके जौन और हुर की तरह, क्यों ना मेरा जिस्म महके जौन और हुर की तरह, आ रहा हूं मैं अभी फर्शे अज़ा पर बैठ गए, क्यों ना मेरा जिस्म महके जौन और हुर की तरह, आ रहा हूं मैं अभी फर्शे अज़ा पर बैठ गए, आ रहा हूं मैं अभी फर्शे अज़ा पर बैठ गए। और ये शेर मैं हाजिर करता हूं बतौर खास, देखिएगा। मैं बचाऊंगा नमाज़े करबला के दश्त में, मैं बचाऊंगा नमाज़े करबला के दश्त में, कह दिया सरवर ने ये पुश्ते नबी पर बैठ गए, सरवर ने ये पुश्ते नबी पर बैठ गए। और ये मैं आखिरी शेर हाजिर करता हूं बतौर खास, देखिएगा। के बाद मुरसल उनको दुनिया भी गनी कहने लगी, बाद मुरसल उनको भी दुनिया गनी कहने लगी, मांगते थे भीख जो कल तक सड़क पर बैठ गए, बादे मुरसल उनको भी दुनिया गनी कहने लगी, मांगते थे भीख जो कल तक सड़क पर बैठ गए, मांगते थे भीख जो कल तक सड़क पर बैठ गए। नारे सलवात, एक मतला और चंद शार और हाजिर करता हूं बतौर खास, समाज फरमाइए, हाजिर करता हूं। इंशाल्लाह हाजिर करूंगा वो भी, और ये मैं चंद शार हाजिर करना चाहता हूँ वो हाजिर करता हूँ बतौर खास। नारे सलवाद इरशाद फरमाइए। ठीक है, मैं हाजिर कर देता हूँ। सलवाद पर मोहम्मद।
एक मतलब छंद अशआर बिल्कुल ताज़ा तरीन है, मैं वो भी हाजिर करता हूँ, बतौर खास देखिएगा। मतलब बहुत नाजुक है मिसम भाई मामू। ये चरागे गमे सेवे की अदा होती है, ये चरागे गमे सेवे की अदा होती है, ये चरागे गमे सरवर की अदा होती है, रोशनी बढ़ती है जब तेज हवा होती है। रोशनी बढ़ती है जब तेज हवा होती है, रोशनी बढ़ती है जब तेज हवा होती है। शेर हाजिर करता हूं, नारे सलवादी शास्त्र मई तिशी लाइक आगे। रोशनी बढ़ती है जब तेज हवा होती है। अब यहां से मैं शेर हाजिर करता हूं, देखेंगे कि सात बेटे मिले राहिब को, तलब एक की थी। सात बेटे मिले राहिब को, तलब एक की थी। सात बेटे मिले राहिब को, तलब एक की थी। दरशा पीर पे ऐसे ही अता होती, दर्श पीर पे ऐसे ही अता होती है। और पूरा वाक्य आपके सामने है, कसम खुदा की शेर समाप्त फरमाइए, हाजिर करता हूं कि तीर खा खा के ये कहते थे जुहैर और सईद, तीर खा कहते थे जुहैर और सईद, इश्क सरवर में नमाज ऐसे अदा होती है, तीर खा खा के ये कहते थे जुहैर और सईद, इश्क सरवर में नमाज ऐसे अदा होती है। और ये भी शेर हाजिर करता हूं, शुक्रिया। और जनाब ईसा ने कहा है कि कुम बिज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाए। मौलाए कायनात कहते थे कुम बिज़्नी, मेरे हुक्म से खड़े हो जाए। शेर हाजिर करता हूं, बतौर खास देखिएगा के हुक्म से अपने करें कैसे ना मुर्दे जिंदा, हुक्म से अपने करें कैसे ना मुर्दे जिंदा, इनकी मर्जी भी तो मर्जी ये खुदा होती, मर्जी भी तो
मर्जी ये खुदा होती है, इनकी मर्जी भी तो मर्जी ये खुदा होती है। और ये शेर मैं बतौर खास हाजिर करता हूँ कि जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है। हजरत में कहीं भी जाइए, दुनिया के किसी कोने में जाइए, तो अगर गलियों से और रोड से आप निकलिए तो कहीं ना कहीं परचम दिखाई दे जाता है घर के सामने। अब ये शेर हाजिर करता हूँ उसी के पस मंजर में, शेर हाजिर करता हूँ खास क़िबला देखेंगे निहाल भाई मामू देखिएगा, खास तौर से हाजिर करता हूँ कि जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, उस इलाके की हवाओं में वफा होती है। इस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, उस इलाके की हवाओं में वफा हो। जिस जगह पर चमे अब्बास सजा रहता है, उस इलाके की हवाओं में वफा होती है, उस इलाके की हवाओं में वफा होती है। और ये शेर में अबूजर भाई की तरफ से हाजिर करता हूँ। दूसरा मिसरा अगर लगा हो, मैं अहले इल्म तशरीफ रखते हैं यहाँ पर, इनके सामने शेर पेश करता हूँ, खास तौर से देखिएगा, हाजिर करता हूँ क़िबला, हाजिर करता हूँ देखेंगे के बुग़्ज़े हैदरी के मरीजों पर तबर्रा कीजिए, बुग़्ज़े हैदरी, दलील देखें, दलील दे रहा हूँ, दलील दलील के साथ में, बुग़्ज़े हैदरी के मरीजों पर तबर्रा कीजिए, बुग़्ज़े हैदरी के मरीजों पर तबर्रा कीजिए, हर मरज के लिए एक खास दवा हो। हर मरज के लिए एक खास दवा होती है, हर मरज के लिए एक खास
दवा होती है। और ये मैं ये शेर हाजिर करता हूँ, ये हाजिर करता हूँ अभी 3 शाबान को अबू ज़र भाई हम लोग सब करबलाए मोहल्ला में थे, मैं शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ, देखेंगे कसम खुदा की ये शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। ऐ हुसैन आपका दर वो है जहाँ से हमको, पूरी मनकबत सिर्फ इसी अशार के लिए कही गई है, सुन लीजिए हाजिर करता हूँ। ए हुसैन आपका दर वो है जहाँ से हमको, ए हुसैन आपका दर वो है जहाँ से हमको, खाक भी मिलती है तो खाक शिफा हो। दुनिया में सबसे हकीर चीज मिट्टी को कहते हैं, दुनिया में सबसे हकीर चीज मिट्टी है, और खुदा की कसम कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सा ऐसा शियान हैदर कर्रार है, मुसलमान है भले ना कहे, कौन सा ऐसा मुसलमान है जो ये न कहे कि हमको जरा सी खाके शफा दे दीजिए। कसम खुदा की सुन लीजिए, ये फिर से पढ़ता हूँ इसको। ऐ हुसैन आपका दर वो है जहां से हमको, ऐ हुसैन आपका दर वो है जहां से हमको, खाक भी मिलती है तो खाक शिफा होती है, खाक भी मिलती है तो खाके शिफा होती है। नारे सलवाद निशात फरमाइए। तामील हुक्म में मैं हाजिर करता हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ज्यादा वक्त दरकार नहीं है, हाजिर करता हूँ। नारे सलवाद निशात फरमाइए। हम रुतबाए इस्मत बा खुदा कोई नहीं है, हम रुतबाए इस्मत बा खुदा कोई नहीं है, नुकते हैं बहुत नुकताए बा कोई नहीं है, नुकते हैं बहुत नुकताए बा कोई नहीं है, और जो कहते हैं मातम का सिला कोई नहीं है, जो कहते हैं मातम का सिला कोई नहीं है, उन लोगों के शजरे का पता कोई नहीं, उन लोगों के शजरे का पता, जो कहते हैं मातम का सिला कोई नहीं है, उन लोगों के शजरे का पता कोई नहीं है। वो कहते हैं शहीदों की सफ़ें देखने वाले, कहते हैं शहीदों की सफ़ें देखने वाले, कदमे आली असगर से बड़ा कोई नहीं है। ओ जब मैंने ये पूछा कोई अकबर सा हंसी है, जब मैंने ये पूछा कोई
अकबर सहसी है।